नमस्कार साथियों, आज बात करने जा रहा हूँ चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक क्रीम के बारे में, जो न केवल कील मुहासों को हमारे चेहरे से हटाएगी बल्कि चेहरे के रंग को साफ भी करेगी और पुरुष और महिलाएं दोनों इसका बराबर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ एक्वाफोलियम होम्योपैथिक क्रीम के बारे में, कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका प्राइस है और कैसे इसको आपको अप्लाई करना है, इसके बारे में भी जानेंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप BHMS और हेनेमन होम्यो हॉल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक्वाफोलियम क्रीम के बारे में जाने तो ये मेनली बनाई गई है एक्ने और पिंपल्स के लिए, यानी कि जब किसी को भी कील मुहासों की समस्या मिल रही हो तो उसके लिए बहुत ही प्रभावी तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। अब इसमें कंपोजिशन क्या है, यानी कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है, तीन होम्योपैथिक दवाओं को या फिर टिंचर से मिला करके ये होम्योपैथिक दवा बनाई गई है। पहली दवा जो इसमें अवेलेबल है वो है बर्बरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर। बर्बरिस एक्वाफोलियम हमारे चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जाना जाता है और कील मुहासों को भी हमारे शरीर से दूर करता है। कुछ लोग बर्बरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर भी इस्तेमाल करते हैं कील मुहासों को हटाने के लिए, उसको चेहरे पर भी अप्लाई करते हैं और उसकी ड्रॉप्स जो है पानी में भी ली जा सकती हैं। दूसरी जो इसमें मेडिसिन अवेलेबल है वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा जो है वार्ट्स के लिए यानी कि मस्सों के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाती है और अनहेल्दी स्किन यानी कि किसी की स्किन अनहेल्दी हो रही है त्वचा, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी जो बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवा इसमें अवेलेबल है या फिर जो टिंचर है वो है कैलेंडुला का होम्योपैथिक मदर टिंचर। कैलेंडुला मैरी गोल्ड के प्लांट से बनाई जाती है और जो कैलेंडुला है वो एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करती है और एंटी इन्फेक्टेंट की तरह वर्क करती है, यानी कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को हमारी त्वचा से दूर रखती है। साथियों एक्ने के कॉज के बारे में जाने तो जो हमारे स्किन या फिर हेयर फॉलिकल होते हैं उसके अंदर जब डेड स्किन सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर ऑयल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है तो वहां पर वो एक एक्ने की फॉर्म ले लेता है। अब एक्वाफोलियम क्रीम के बारे में जानेंगे कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहली कंडीशन जैसा मैंने बताया कि एक्ने और पिंपल्स यानी कि कील मुहासों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ब्लैक हेड्स या फिर जिसको हम कॉमडोन्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं यानी कि पोर्स जो है स्किन के वो ओपन या फिर खुल जाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही झाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा इसका इस्तेमाल किया जाता है स्कैरिंग ऑन फेस, यानी कि किसी भी तरीके का निशान त्वचा पर रह गया है एक्ने पिंपल्स के बाद सालों तक जो निशान रह जाते हैं या फिर दाग धब्बे त्वचा पर रह जाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रूराइटस। ये क्या होता है, स्किन में खुजलाने की बहुत ज्यादा चाहत होती है, इसमें पेशेंट के जो त्वचा है उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। या फिर पांचवा अनहेल्दी स्किन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जब त्वचा अनहेल्दी बनी रहती है। स्वस्थ त्वचा अगर आप चाहते हैं तो एक्वाफोलियम क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस क्रीम के साथ साथ दो तीन बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, 7 से 8 ग्लास ऑफ वाटर अपने दिन में कम से कम पिए। दूसरा, एक्ने पिंपल्स अगर हो रहे हैं तो उसको कभी भी हाथ से ना छुएं, वरना जो उसमें अगर पस है थोड़ा बहुत तो वो दूसरी जगह पर जाकर और पिंपल्स कॉज कर सकता है। तीसरा, हमेशा हेल्दी डाइट का सेवन करें, ऐसी चीज अपनी डाइट में फॉलो करें जो आपको जरूरी पोषक तत्व जरूर दे रही हो। अब एक्वाफोलियम क्रीम के बारे में जानिए इसका प्राइस क्या है। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा लक्षण मैच हो रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मुझे देखने को मिले हैं। अब इसके प्राइस के बारे में जाने तो 95 रुपीज पे होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इस तरीके की क्रीम आपको इसके अंदर से मिल जाएगी। मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो डॉक्टर वेगनाली मेडिसिन का है। अदर कंपनी की मेडिसिन या फिर प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, प्रोपोर्शन जो होते हैं या फिर कंपोजिशन होती है मेडिसिन की वो सेम ही रहेगी। वैसे तो होम्योपैथिक मदर टिंचर भी आता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अन्य दो और मेडिसिन अवेलेबल हैं जो और अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से असर करती हैं और ये लगाने में भी थोड़ा आसान रहती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।